बिजनेस आइडिया सीखो के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। मैं आज जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही सुनने वाला इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही जानने वाला इन्फॉर्मेशन है। यानी कि अगर आपके पास पैसे ना हो या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको बिजनेस करना है तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आप ये काम कर सकते हैं। और वो ऐसा काम है जिसके बारे में आप सोच के बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे कि हाँ ये काम हम तो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही अमाउंट नहीं है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट है, फिर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम आपको ये बिजनेस बताने जो जा रहे हैं वो बिजनेस कितने कम पैसे में और कैसे स्टार्ट हो जाएगी। अगर बिना मशीन के भी इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि मैं आपको किसी कंपनी के माध्यम से नहीं, डायरेक्टली अपने माध्यम से आज सलाह दूंगा कि अगर आपके पास एक रुपया भी नहीं है फिर भी आप कैसे बिजनेस कीजिए और कैसे नहीं करें। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ आज वो है अगरबत्ती बिजनेस के बारे में। अगरबत्ती, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो अगरबत्ती है, इस तरह की अगरबत्ती होती है। आजकल जो मार्केट में आपको नए नए जमाने की अगरबत्ती भी आप यूज करते हो, जैसे इतनी मोटी अगरबत्तियां जो आपने शायद देखी भी ना हो मार्केट में, ये बिल्कुल नए प्रोडक्ट हैं। अगर इस तरह की अगरबत्ती आपको बनानी है और वो भी बिना मशीन के, तो भी आप बना सकते हो, वो भी अपने हाथों से। यानी कि अपना मन है तो सब कुछ है। वही चीजें हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप इस अगरबत्ती को अपने हाथों से बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे अगरबत्ती को बनाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लैक पाउडर है, जिसे प्रीमिक्स पाउडर बोला जाता है, और इसमें जो है आपको एक जॉस पाउडर जो है इसको मिला के, ये दोनों पाउडर को एक दूसरे में मिला के, अगर ये 1 kg और इसको हम लोग 50 ग्राम इसमें मिला देते हैं, ये दोनों पाउडर को मिक्स किया जाता है। इन दोनों पाउडर को मिक्स करने के बाद ओनली 1 kg में, यानी कि 1 kg पाउडर में ओनली 200 ml पानी को हम मिलाते हैं, तो ये हमारा मटेरियल बन के रेडी हो जाता है। यानी कि मटेरियल बन जाएगा जो हम यूज करते हैं मशीनों में या हैंड से। तो इसको मटेरियल बनाने के बाद हम लोग ऐसे इस स्टिक को लेके और हैंड से ऐसे करके हम बेलन के अनुसार इसको बस इसमें मटेरियल को लगा लेंगे। यानी कि बिना पैसे के, बिना मशीन के, यानी विदाउट मशीन भी ओनली 100-200 रुपए में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और वो बिजनेस है अगरबत्ती बिजनेस। यानी कि जो आप ये अगरबत्ती, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल हैंडमेड बना हुआ अगरबत्ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी मोटी बनाई हुई अगरबत्ती है, ये एक एक अगरबत्ती की कीमत 2-3 रुपए तक भी आती है। ऐसी अगरबत्ती भी आप बना सकते हो। और ये नॉर्मल अगरबत्ती, ये भी आपका हैंड से बना हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हैंडमेड चीजें आजकल मार्केट में हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बिक रही है, और ये भी हैंडमेड बना हुआ है। यानी कि अगर हैंडमेड भी आप बना के ओनली 200-500 रुपए में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कि हाथ से अगर, यानी मैनुअली हम काम करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में हम किसी भी चीज को बना सकते हैं। यानी कि यही जो अगरबत्ती हम बनाने जा रहे हैं, अगर हैंड से बनाएंगे तो पूरे दिन में हम 2-3 kg ही अगरबत्ती बना पाएंगे। वही अगर हम मशीन का यूज करते हैं, अगर मैनुअल मशीन भी हम आप लेते हैं, तो ओनली 1 घंटे में 1-1.5 kg आप बना सकते हैं। तो अगर वो आपकी इच्छा है कि आप जो है कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ज्यादा पैसे में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कम पैसे में भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। यानी 500 रुपए में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ज्यादा पैसे में भी करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैनुअल मशीनें होती हैं, ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, ये सारी चीजों से भी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो रही बात ये अगरबत्ती बनाने का जो हमने आपको बता दिया, अब इसको पैकिंग की डिटेल्स हम बताते हैं कि हम आप इसे मार्केट में सेल कैसे करें। अब 1 kg अगरबत्ती बनाने का खर्चा आपको बिलीव नहीं होगा कि कितना होता है। अगर रो अगरबत्ती सिर्फ आप 1 kg बनाते हो तो ओनली 40-42 रुपए में रो अगरबत्ती बन के रेडी हो जाएगा। ओनली 40-42 रुपए में दोस्तों। और ये 40-42 रुपए में जो अगरबत्ती बन के रेडी हो रहा है वो 1 kg में 1000-1200 पीस स्टिक हो जाते हैं। 1 kg में 1000-1200 पीस। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर इसे आप पैक करके सेल करते हैं, जो मार्केट में 10 स्टिक के ये 10 डब्बे जो आपको दिख रहे हैं, जैसे मोगरा ये है, ये गुलाब है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाइनएप्पल है, इस तरह के जो है अलग अलग डिजाइन के कवर और अगरबत्तियां हैं, तो
इस तरह के कवर आपको चाहिए, वो सारे के सारे भाई डिफॉल्ट आपको मार्केट में मिल जाए। यानी कि आपको अपना ब्रांड बनाना है तो भी बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना है तो नॉर्मली जो भी मार्केट में चल रहा है उस तरह के ब्रांड के नाम से आपको मिल जाएगा। जैसे पाइनएप्पल, गुलाब, मोगरा, रजनीगंधा, इस तरह से बहुत सारे रैपर, बहुत सारे डब्बे आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके बाद जब इस डब्बे को आप मार्केट से खरीद के और इसको पैक करते हैं, तो इस पैक करने के पहले आपका एक क्रिया और करना होता है, वो है परफ्यूमिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका सैंडल का परफ्यूम है, ये चंदन है, रोज है, गुलाब है, रजनीगंधा है, इस तरह से ये बहुत सारा परफ्यूम होता है। इस परफ्यूम को इसमें डुबाया जाता है। अब इसको डुबाने का क्राइटेरिया क्या है कि 1 लीटर आप जो है परफ्यूम और 6 से 7 लीटर डीपी वाई दोनों को मिक्स किया जाता है और उसमें जो है इस अगरबत्ती को डुबाया जाता है। तो उसके लिए भी आपको कोई भी मशीन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी आपको कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो मशीनें खरीद के बहुत सारा बेवकूफ भी बनाया जाता है कि अगर ये मशीनों की जरूरत है, उस मशीनों की जरूरत है, तो वो चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि बिना मशीन के भी आप डीपी वाइल और परफ्यूमिंग का काम करके और इसे इस तरह से इस डब्बे में पैक करके और मार्केट में इसे आप आसानी से सेल कर सकते हैं। इस तरह से एक अगरबत्ती बनाने में आपको 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय नहीं लगने वाला है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है ये बिजनेस करना, यानी कि इतनी आसानी से आप इस बिजनेस को कर सकते हो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और प्रॉफिट की जहां तक हम बात करते हैं, अगर 1 kg अगरबत्ती बना के आप मार्केट में सेल करते हो तो उससे 5 गुना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप 100 रुपये का अगरबत्ती बना के पड़ रहा है तो उसे आप 500 रुपये तक में सेल कर सकते हो, यानी 5 गुना तक प्रॉफिट आपको आ जाएगा। अगर आप चाहो तो 2 गुना प्रॉफिट कमा लो, 3 गुना प्रॉफिट कमा लो। तो इस तरह से जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।